जानिए कैसे ड्रग्स ने की इन एक्टर्स की जिंदगी बर्बाद। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स वाली चैट सामने आई है, तब से इस मामले में एक ड्रग एंगल भी सामने आ गया है। इन तरीकों की बातों से ये बात सामने निकल कर आती है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स भी शामिल हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई एक्ट्रेस भी शामिल हैं। लेकिन इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर भी शामिल हैं जो ड्रग्स के मामले में बदनाम हो चुके हैं। ड्रग्स की लत में वह जेल तक जा चुके हैं, वहीं कुछ नशे की हालत में सड़क तक पर आ चुके हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिनकी एक वक्त पर ड्रग्स के चलते करियर पर बात आ गई थी। सबसे पहले अगर संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त ने इस बात को खुद कबूला था कि वह करीब 10 साल तक ड्रग्स लेते रहे। उन्होंने यह तक कहा था कि शायद ही ऐसा कोई ड्रग होगा जो उन्होंने ना लिया हो। ड्रग्स के चलते उन्हें अमेरिका में मशहूर रिहेब सेंटर में भर्ती करना पड़ गया था। वहीं रणबीर कपूर भी ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू के दिनों यानी कि स्कूल के दिनों से ही शुरू कर दिया था। इसके बाद वे इसके आदी भी हो गए थे, लेकिन अब वे ड्रग्स से बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक चैन स्मोकर बनकर रह गए हैं। मशहूर मॉडल रही गीतांजलि नागपाल ड्रग्स की इतनी आदी हो गई थी कि उन्होंने ड्रग्स के लिए मेड बनकर तक काम किया है, और नशे की लत ने उन्हें कितना बेबस कर दिया था। वह अपने आखिरी दिनों में दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगती हुई नजर आई थी। ऐसे ही एक्टर विजय राज ड्रग्स के साथ 2005 में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी दुबई में हुई थी। वहीं बात करें फरदीन खान की, तो फरदीन खान को भी ड्रग्स की लत लग गई थी। कोकीन के साथ फरदीन खान 5 मई 2001 को 5 दिन के लिए अरेस्ट भी हुए थे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन जमानत मिलते ही उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी डाल दिया गया था। तो वहीं मशहूर रैपर हनी सिंह भी ड्रग्स के जाल में फंस गए थे। उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन अब 1 साल तक रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रीटमेंट के बाद हनी सिंह एक बार फिर से अपने जबरदस्त किरदार के रूप में वापस आ चुके हैं। एक्टर प्रतीक बब्बर को भी 1 साल तक ड्रग्स की लत लग गई थी, लेकिन अब वह भी इस लत से छुटकारा पा चुके हैं।